ये विवेक बाहर खड़े कनक भवन के पास खड़े हैं। आप कहाँ चलाए दर्शन पूजन करने नामांकन के पहले? हाँ, क्योंकि जो मेरा बचपन से सपना था वो साकार हो गया। मैं बचपन से ही सोचता था कि कब प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, अयोध्या धाम में कब हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए सौभाग्य हमारा है कि कल नामांकन से पहले हमको अवसर मिला है और हम आज प्रभु श्री राम का दर्शन करें। क्या मन्नत मांगी आपने भगवान राम लला से? हमने प्रभु श्री राम से यही मांगा है कि जैसे आपका महल बना है वैसे ही मेरे भारत को भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको भी आप पूरा कर दीजिए प्रभु, यही मैंने मांगा है प्रभु श्री राम से। जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि राम से राष्ट्र की ओर। हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है, अब हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, प्रभु श्री राम की कृपा से ही होगा और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप तो पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। आपने भगवान रामलीला का दर्शन पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप दूसरी बार आ पाए, कैसा लगा, क्या मन? बहुत बहुत सौभाग्य महसूस कर रही हूँ मैं कि आज श्री राम लल्ला का इतना अच्छा दर्शन हुआ। मैं तो अंदर पूरे टाइम रो ही रही थी, आँख पोछ पोछ के दर्शन करना पड़ रहा था, इतने सुंदर दिख रहे थे भगवान की, एकदम भाव विभोर हो गई थी। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि आज फिर मुझे दर्शन करने का मौका मिला। ऐसा लगता है भगवान राम के दरबार में पहुँचने के बाद, ऐसा लगता है सारे पिछले जितने भी जन्म थे सबके पाप मिट गए, सब धुल गया और बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने सभी देशवासियों को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आइए श्री राम लल्ला का दर्शन करने, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। सब लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग दर्शन लें, सबको आशीर्वाद मिले। काम करा ये काम करो, हनुमानगढ़ी के पास पहुँचो, गंगा जी के यहाँ बस वहीं आओ।